लेकिन अभी मेरे को टेंशन ये हो रहा है कि ये ग्रुप में अगर सेकंड नंबर पे रहेगी तो सामने वाली टीम वो सागर की टीम आने वाली है पनवेल, तो वो अगर इन्होंने वहाँ गड़बड़ किया तो बहुत हैवी टीम है, तो क्वार्टर में इनका पता कर सकता है। निश्चित तौर से निश्चित, लेकिन तारीफ कर रही होगी मीरा भाईंदर टीम की, क्या बेहतरीन खेल मीरा भाईंदर की टीम ने दिखाया भवर जी के प्रमुख नेतृत्व में, जो टीम बनाई गई, जो उन्होंने खेल दिखाया पिछले साल, इस टीम ने क्यों विजेता पदक लहराया ये उन्होंने दिखाया। भवर जी के लिए आप क्या कहना चाहोगे? मीरा भाईंदर नो डाउट क्लास टीम है, और अगर पनवेल को हरा सकती है तो वो दमखम मीरा भाईंदर में है, और पिछले साल हमने देखा है, यस यस पिछले साल हमने देखा भी, और जरूर हमारे ये थे हरपल मोहला, हमारे सबके चहीते, हमारे सबके लाडले, हमारे जीतू भाई कामोटे के 47, 47, 48 जिनका लकी नंबर है, और आज अगर उन्होंने कहा कि सुबह के सत्र में आज मैं सभी देव देवताओं के चरणों में नतमस्तक होके आयो, प्रार्थना करके आयो कि आज मुझे जीतना है। दोस्तों हर एक खिलाड़ी का सपना, हर एक टीम ओनर का सपना है इस सिरवी स्पोर्ट्स क्लब की भव्य दिव्य ट्रॉफीज पे अपना हक दर्शाना, लेकिन जीतेगा वही जो संघर्ष करेगा, जो प्रार्थना करेगा अपनी कामयाबी की, जो प्रार्थना करेगा अपनी संघर्ष की, और जो दिखाएगा संघर्ष उसकी होगी जीत। चलो सभी का स्वागत है, और मैच चालू होने जा रहा है, खतरनाक मैच है डोंबिवली और मलार के बीच में, करो या बोलो का मुकाबला। तो जीती भाई, दोनों टीमों को जीतना है, बहुत जरूरी है ये मैच। यह जरूर 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 डू और डाई की सिचुएशन है, यदि कोई टीम यहाँ पे हारी तो वो उसके घर पे जाएंगे। तो जीतू भाई आने वाला मुकाबला तो काफी बड़ा रहेगा, लेकिन थोड़ी सी चर्चा करेंगे हमारे प्रतियोगिता के बारे में, क्योंकि इस प्रतियोगिता की बात करें तो एक सपना देखे गए हमारे सिरवी समाज के माध्यम से कि मुंबई में भी काफी अच्छी अच्छी प्रतियोगिता होनी चाहिए, और जिसके माध्यम से हमारा जो परिवार है वो एक साथ आए, इकट्ठा आए, एकता का संदेश देने वाली है टूर्नामेंट। तो इस टूर्नामेंट के बारे में आप क्या कहोगे? एक्चुअल में मेरा सबसे फेवरेट गेम वॉलीबॉल है। एक्चुअल में हम लोग 12 महीने में कम से कम 8 से 10 वॉलीबॉल का टूर्नामेंट खेलते हैं, और बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता है वो। क्रिकेट एक्चुअल में अभी भी थोड़ा मेरे भी दिमाग मारा, बचपन में क्रिकेट बहुत खेला, लेकिन यहाँ मुंबई में आने के बाद इतना ग्राउंड मिलना या 11 खिलाड़ी को इकट्ठा करना, 22 खिलाड़ी पॉसिबल नहीं था, तो हम लोग डेली तो वॉलीबॉल ही खेलते हैं, हमारा फेवरेट है। लेकिन हम लोग ने फिर सोचा कि चलो नए बच्चे इसमें आएंगे तो अभी क्रिकेट का क्रेज़ ज़्यादा है, तो फिर ये भी टूर्नामेंट हम लोग चालू किया, 3 साल से कर रहे हैं, और हर साल कुछ ना कुछ इसमें और इम्प्रूवमेंट करने की सोच रहे हैं, और आगे जाके फुटबॉल का भी हमारी इच्छा है करने की। तो सबका, हमारा कमेटी का, भामाशाह का, सबका सहयोग रहेगा तो फुटबॉल का भी होने वाला मैच। तो निश्चित तौर से जिस प्रकार से आपने उल्लेख किया कि बचपन के दौर में क्रिकेट खेलते थे, फिर बॉम्बे में आए काम करने लगे, जिससे चलते क्रिकेट से दूर हो गए, लेकिन बचपन की यादें, प्लास्टिक बॉल से क्रिकेट शुरू हुआ, फिर रबर बॉल पे आया, फिर टेनिस की गेंदों पे आया, और अगर आज देखा जाए तो व्यावसायिक लेवल पे आया क्रिकेट, लाख लाख रुपए की प्रतियोगिता होते, तो वो सफर, वो सुनहरा मौसम और आज का ये दौर, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? नहीं, एक्चुअल में मेरी भी बहुत इच्छा थी, जब गाँव में था तभी एक बॉल के लिए झगड़ना पड़ता था, किसी के पास एक बैट रहता तो हमारी बहुत इच्छा रहती थी, उसके पास बैट है वो बहुत बड़ा आदमी है, लेकिन यह आए तो अभी आज हमारे पास थोड़ा पैसा है तो हम अच्छे बॉल, अच्छे बैट, बूट, टोपी सब पहन सकते हैं, तो आज उसका हम काम है, हम लोग हमारा एंजॉय कर रहे हैं, वो पैसे का एंजॉय हम लोग कर रहे हैं, घर पे बैठ के सुबह से शाम तक दुकान पे तो काम करना ही है, लेकिन साल में थोड़ा टाइम भी हम, मैं निकालता हूँ, मेरे दोस्त लोग भी निकालते हैं, और निकालना भी चाहिए सबको, क्योंकि आए आया राम गया राम, ये तो जिंदगी का नियम है, कौन सी टाइम झटका आ जाए मालूम नहीं, इसलिए मज़ा करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मैं सबसे गुजारिश करूँगा मेरे से बड़ों को छोटों को कि कमाए भी, धंधा भी करें और एंजॉय भी करें। निश्चित तौर से, निश्चित तौर से सिरवी समाज का ये मुख्य हेतु है दोस्तों, समाज सेवा, साथ ही साथ खुश रहिए एक दिन खुद के लिए, इंजॉयमेंट के लिए। जब 365 दिन हम तो बिजी रहते हैं हमारे काम में, हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में, हमारे दुखों में, एक दिन सुखों का भी चखिए, तो यही सीखा है सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई के माध्यम से। सिरवी स्पोर्ट्स क्लब आयोजित सिरवी क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 फेस्टिवल उत्सव क्रिकेट का पहला ओवर यहाँ पे आप देख सकते हैं, गेंदबाज मोहन ने संभाला, जिसमें महज 2 रन उन्होंने खर्च किए। इस बार गेंद हवा में जरूर खेली गई है, जानबूझ के इस गेंद को खेला गया नो मैन रीजन के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, जब तक गेंद पे पहुंचेंगे तब तक 1 रन पूरा, दूसरी की कोशिश और दूसरा रन भी काफी तेजी के साथ बटोरा गया। काफी अच्छी यहाँ पे गेंदबाजी होती हुई गेंदबाजों के माध्यम से, लेकिन बल्लेबाज भी अभी प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, थोड़ा सा खुल के खेलने का, बाजुओं को खोलने का, और इसी के सारा अगर रणनीति होती रही तो ये टीम थोड़ी सी हावी हो सकती है। आप देख सकते हैं दोस्तों मलाड बनाम डोंबिवली ये मैच चलता हुआ बीच मैदान के ऊपर, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला खिलाया जा रहा है। डोंबिवली टीम ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया, और जिसके चलते पहले ओवर में उन्होंने अपनी ताकत को स्पष्ट किया, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ के रखा, जिसके फलस्वरूप में आप देख सकते हैं महज
मिले दो रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद। इस ओवर की यदि बात करें तो इस ओवर में दो गेंदें फेंकी गई अब तक और स्कोर कार्ड के ऊपर महज मिले दो रन। टोटल स्कोर की यदि बात करें तो टोटल स्कोर पे आए हैं चार रन और इसी के साथ क्रिकेट का नायब पेशकश फटका मिला चौका चार रनों के लिए। तो एक चौका अच्छा मिलता हुआ बैकफुट के ऊपर जाके जगह बना के स्ट्रोक्स को खेला गया पिछले कदमों पे, यहाँ पे पूरी तरह से वेट ट्रांसफर किया, फिर एक मरदा वही स्ट्रोक वही हाईलाइट वही एक्शन रिप्ले और वही चार रन फिर एक मरदा स्कोर कार्ड के ऊपर। तो किसी के साथ और एक चौका आता हुआ खुशियां लाता हुआ काफी अच्छा प्रहार किया गया था जिसपे मिले चार रन और एक फुल टॉस गेंद इस बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जरूर खेला गया। वाडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में जब तक गेंद को रोकेंगे तब तक दो रन काफी तेजी के साथ बटोरे गए। बल्लेबाज की जरूर हम रमेश की तारीफ करनी चाहूंगा क्योंकि पहले ओवर की यदि बात करें तो काफी ज्यादा गेंदें उनके पक्ष में नहीं आई, महज एक रन उन्होंने एक गेंद उन्होंने फेस की जिसके ऊपर उन्होंने एक रन बटोरा। उसके बाद अगर देखा जाए तो बल्लेबाज रमेश लखन थोड़े से गिड़गिड़ाते हुए हमने मिच मैदान के ऊपर देखे, लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो रमेश ने पूरी तरह से कमान संभाली है, कमान पूरी तरह से अपने कंधों पे लिए, भार पूरी तरह से अपने बाजुओं में लिया है और जिसके चलते काफी अच्छी बल्लेबाजी उनके माध्यम से होती हुई। इस बार खराब गेंद वाइड गेंद का इशारा, ये होता है थोड़ा सा प्रेशर गेंदबाज के ऊपर। जब आप गेंदबाज के ऊपर एक दो बड़े स्ट्रोक खेलते हो ना दोस्तों तो थोड़ा सा प्रेशर बनता है और इस प्रेशर को रिलीज करने के लिए गेंदबाज थोड़ी सी लय भटकने वाली गेंदबाजी करते हैं, लेकिन इसका यदि आप सही इस्तेमाल करोगे तो आप बड़े बड़े स्ट्रोक खेल सकते हो। देखिए दोस्तों सही इस्तेमाल जरूर किया है, बात को पहचाना वक्त को पहचाना, लेकिन अंतिम क्षणों में बाउंड्री लाइन के नजदीक नजदीक यहां पे मामला कड़ा बन सकता था, लेकिन बाउंड्री लाइन के हम आपका वक्त कम लेंगे क्योंकि आज एक मुकाबला ज्यादा है तो थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। 20 मिनट आज हम लेट हुए इसके चलते हमको थोड़ा सा स्पीड अप करना है, हमारी कमेंटेटर टीम हमारी स्कोरिंग टीम थोड़ी सी लेट हुई आने के लिए और जिसके चलते आज 20 मिनट हम आज लेट शुरुआत किए, तो जरूर हम आपसे क्षमा मांगेंगे और फिर एक मरतबा मुकाबले को शुरुआत करेंगे। दो ओवर का खेल समाप्त होता है, दो ओवर के समाप्ति के बाद 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, पहले ओवर में आए दो रन, दूसरे ओवर की यदि बात करें तो दूसरी ओवर थोड़ी सी महंगी साबित हुई जिसमें मिले 17 रन। लोअर फुटॉस गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में खेल दिया, मिड विकेट का क्षेत्र रक्षक वन बाउंस गेंद को गैदर करेगा, जब तक फेंकेगा तब तक मिली महज सिंगल। सिंगल के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोरों को बदला है। मैं जरूर तारीफ करना चाहूंगा लखन की क्योंकि लखन ने जाना है पहचाना है कि रमेश अच्छे फॉर्म में है, जितने ज्यादा से ज्यादा गेंदे रमेश बल्लेबाजी करेंगे उतने ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर कार्ड के ऊपर आएंगे और जिसके चलते आप देख रहे हैं दोस्तों कि लखन हर मरतबा स्ट्राइक रोटेट करने का काम यहां पे करते हुए। अंदर आने वाली गेंद थोड़ी सी उछाल गेंद में थी दोस्तों जिसके चलते बल्लेबाज ने सिर्फ हल्के हाथों से के मिड ऑन के क्षेत्र में इस गेंद को खेला, एक से ज़्यादा कुछ नहीं। सिंगल्स डबल्स काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों, कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़रूरी होती है। यदि आपको एक बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो सातत्यपूर्व स्कोर कार्ड के ऊपर आपको हलचल करनी होगी और यही हलचल करने का प्रयास दोनों भी बल्लेबाज कर रहे हैं। अब तक का सफर अगर देखा जाए तो स्कोर हो चुका है 21 और 21 रन में रमेश ने जो योगदान दिया है दोस्तों, 17 से अधिक रनों का योगदान यहाँ पे रमेश के माध्यम से रहा है और जब तक रमेश मैदान के ऊपर डटे रहेंगे विकेट के ऊपर हिलते रहेंगे तब तक स्कोर कार्ड भी हिलता रहेगा। 18 रन का योगदान हमारे स्कोरर बताते हुए इस बार अंदर आने वाली गेंद पैड लाइन पे जरूर पटकी, यहाँ पे रनआउट का खतरा बन सकता है लेकिन सुरक्षात्मक ढंग से यहाँ पे अपने पॉपिंग क्रीज में आते हुए रमेश, थोड़ी सी लय लड़खड़ा गई है बल्लेबाजी करने वाली टीम की। अब तक लखन के निजी पारी की यदि बात करें तो 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है उसमें महज 2 रनों का योगदान और 6 डॉट गेंदें फेंकी गई है उनके खिलाफ और एक पटकी हुई गेंद धीमी गति से यहाँ पे गेंद को पटका गया, बल्लेबाज ठीक तरह से समझ ना पाए, विकेट कीपर के दस्तानों में ये गेंद जाती हुई इस ओवर में ये तीसरी डॉट आती हुई लखन के खिलाफ। देखिए मल्लाड के कप्तान को थोड़ा सा सोचना होगा, लखन को जिसलिए प्रमोट किया गया है वो काम वो कर रहे क्या, लेकिन इस बार देखिए विट्टो के ऊपर गेंद जा टकराई, बड़ा नुकसान, पहला विकेट यहाँ पे बैक टू द पवेलियन।
तो चलिए बिल्कुल, अब जगदीश आए बल्लेबाजी के लिए और गेंदबाजी मार्ग पर नए गेंदबाज जगदीश। स्ट्राइक एंड पे रमेश, नॉन स्ट्राइक एंड पे जगदीश, गेंदबाजी मार्ग पर जगदीश। तो पटकी हुई गेंद थोड़ी सी दूर फेंकी, यहां पर उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा चार रन के स्वरूप में। तो आते ही प्रहार किया गेंदबाज जगदीश पे, यहां पे दूर फेंकी हुई गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, उसको भाप लिया, समझा और प्रहार किया और उसको चार रन में तब्दील करें, पीछे नहीं हटे रमेश। पुनः एक बार ऑन साइड की रीजन में हवाई सफर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर छह रनों के लिए। तो बढ़िया बल्लेबाजी यहां पे रमेश के माध्यम से की गई, ओपनिंग के लिए आए हुए थे लखन ने साथ छोड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना बल्ले का फेस खुला ही रखा है। यहां पर एक और रन मुकम्मल किया स्कोर कार्ड में, मात्र एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। तो एक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी रमेश के माध्यम से यहां देखने को मिली। टीम का टोटल स्कोर इस वक्त स्कोर कार्ड पे 32 रन, लॉस ऑफ द वन विकेट। लखन जो आए थे काफी गेंद डॉट की उन्होंने, अपनी पारी में उन्होंने 10 गेंदों का सामना किया, मात्र दो ही रन बना पाए और काफी सस्ते में अपने खेमे में आराम फरमाते नजर आएंगे बल्लेबाज लखन। तो नए बल्लेबाज जगदीश को मौका मिला है, तो उन्होंने भी अपने बल्ले का मुखड़ा खोला और छह रन बटोरा अपने टीम के लिए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं मलाड के बल्लेबाजों ने अब आक्रामक रूप धारण कर लिया। यहां से जब जगदीश को भेजा गया तो लखन ने काफी गेंदें डॉट की थी, लेकिन उसके बाद बढ़िया यहाँ पे फुल टॉस गेंद सिर्फ कलाइयों का सहारे से मोड़ दिया, पीछे की डिवीजन में गई गेंद, मात्र मिलेंगे एक, उससे ज्यादा कुछ नहीं स्कोर कार्ड में ऐड होते हुए एक रन। टीम का टोटल स्कोर 39, लॉस ऑफ द वन विकेट। चौथा ओवर प्रगति पथ पर है, जगदीश है गेंदबाजी मार्ग पर, थोड़े से महंगे साबित जरूर है इनकी इस ओवर में, दो छक्के एक चौके अब तक लग चुके हैं। आखिरी गेंद अभी भी फेंकी जानी बाकी है, बल्लेबाज रमेश खेल दिया है दिशा दी मात्र, गेंद जाती हुई दंदन आती हुई चार रनों के लिए। स्कोर है 43, चार ओवर की समाप्ति के बाद लॉस ऑफ द वन विकेट टीम मलाड। तो बताना चाहूंगा देर से आए दर्शकों के लिए कि डोंबिवली बनाम मलाड चालू मुकाबला सात ओवर के मुकाबले में अब तक मलाड टीम का स्कोर है 43 रन एक विकेट के बाद। मलाड डोंबिवली टीम ने टॉस जीता था और फील्डिंग का फैसला किया था, तो नए गेंदबाज हितेश। तो चलिए कप्तान के भरोसा अब हितेश के ऊपर, दारोमदारी अब उनके कंधों पर, लेकिन नए बल्लेबाज जगदीश जो आए थे वन डाउन बैट्समैन तीसरे क्रमांक पर उन्हें भेजा गया था, जबरदस्त बल्लेबाजी की, एक गेंद खेलने का मौका मिला उसमें सात रन मुकम्मल किए, महज दो गेंदों में सात रन की नायाब पारी खेली अब तक पुनः एक बार, लेकिन अंपायर हमारी तरफ मुड़ेंगे गेंदबाज को दंडित करेंगे, अतिरिक्त के स्वरूप में आता हुआ ये एक रन। तो हरीश ने अब तक कोई भी गेंद फेंकी नहीं, पहली गेंद जो फेंकी थी वो अतिरिक्त स्वरूप में फेंकी गई थी, अंपायर ने बीमार करार दिया उस गेंद को। इस बार फुल टॉस गेंद, सिर्फ इस पर दिशा देनी थी, वहां खिलाड़ी जरूर है, गैलरी गेंद को कलेक्ट करेंगे, वन बाउंस बाउंड्री लाइन के पास और दोनों बल्लेबाजों के पास इतना समय है, लेकिन वहां पर बाउंड्री लाइन पर जो खड़े वॉलंटियर से उन्होंने इशारा कर दिया है कि ये चार रन है, खिलाड़ी का पैर चौके पर छू चुका था। तो इसी चार के साथ टीम का टोटल रन संख्या 48, लॉस ऑफ द वन विकेट। तो चलिए गेंदबाजी मार्ग पर हितेश पुनः एक बार फिर उसी दिशा में ऑन साइड की दिशा में खेला, वही खिलाड़ी आएंगे गेंद के नीचे, गेंद को जब तक कलेक्ट करेंगे थ्रो करेंगे, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। 49 यानी कि अर्धशतक से मात्र एक रन दूर है टीम मलाड।
इस ओवर की बात करें तो हितेश थोड़े से महंगे साबित हुए, पहली गेंद थोड़ी खराब फेंकी थी, उसके बाद चौका आया, फिर सिंगल आया, लेकिन इस बार लोअर फुलटॉस गेंद, इसके साथ ऑन साइड के क्षेत्र में खेला, एक रन जरूर पूरा करने का प्रयास और तेजी के साथ दूसरा रन भी बटोरा रहा। आप देख सकते हैं दोस्तों तेजी के साथ दो रन बटोरे और इसी के साथ अर्धशतक पूरा होता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम यानी कि मल्ला टीम का अर्धशतक पूरा होता हुआ इस आज के दिन का ये पहला अर्धशतक है दोस्तों मलाड की टीम से पूरा होता हुआ। मलाड बनाम डोंबिवली आज के दिन का दूसरा ही मुकाबला बीच मैदान के ऊपर चलता हुआ, 51 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अगली गेंद लेफ्ट राउंड द विकेट, पटकी हुई गेंद अंदर आने ती हुई सीधा रमेश के बॉडी लाइन पे अटैक किया जा रहा है दोस्तों। रमेश ने कल भी अच्छी बल्लेबाजी की थी और आज भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी जरूर किया, एज अ ओपनर की भूमिका में वो विकेट के ऊपर आए। उसके बाद अगर देखा जाए पहला मैच में हमने देखा रमेश ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की थी। ऑन साइड के क्षेत्र में जरूर लॉफ किया इस बार गेंद को हवा में, खिलाड़ी जब तक गेंद पे आएंगे यहाँ पे कैच छूटा है दोस्तों। रमेश जैसे बल्लेबाज का आप कैच छोड़ोगे तो इसके परिणाम काफी घातक हो सकते हैं, काफी हावी हो सकते हैं और दो रन जरूर बटोरे और दो रन के साथ देखिये बार बार ड्रिंक्स ब्रेक दिया नहीं जाएगा, कृपया करके निवेदन लीजिए बार बार ड्रिंक्स ब्रेक दिया नहीं जाएगा, एक सत्र में एक ही बार मिलेगा और ये हो चुका है तो आज वक्त की बहुत कमी है, एक मुकाबला एक्स्ट्रा हमें खेलना है, थोड़ा सा लेट शुरू हमने किया है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कम खर्च करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मुकाबले के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे ऑन साइड के क्षेत्र में। लेकिन क्या बेहतरीन कैच लपका है इसी के साथ और एक बल्लेबाज की पारी का अंत, बल्लेबाज रमेश बैक टू द पवेलियन। पांच ओवर का खेल समाप्त, पंद्रह गेंदों में 37 रनों की नायाब पेशकश पारी अपनी टीम के लिए, 15 गेंदों में 37 रन, काफी अच्छी बल्लेबाजी रमेश के माध्यम से अपनी टीम को संभालने का काम किया है। एज अ ओपनर की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है, ओपनर बल्लेबाज किस प्रकार का हो इसका काफी अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हुए बल्लेबाज रमेश और अपनी टीम के लिए आप देख सकते हैं दोस्तों काफी अच्छा खेल रमेश के माध्यम से जरूर हुआ है। एक विकेट और एक गुजरता हुआ मैदान के बाहर बल्लेबाज रमेश के स्वरूप में, नए बल्लेबाज विनोद मैदान पे आएंगे उनका साथ निभाएंगे जगदीश के पारी की अगर बात करें तो एक छक्का एक सिंगल चौका फिर एक सिंगल, इसी के साथ एक आक्रामक विस्फोटक बल्लेबाज क्या होती है ये उन्होंने दिखाया। चार गेंदों में 12 रनों का उपयुक्त योगदान उन्होंने स्कोर कार्ड के ऊपर दिया। स्कोर कार्ड की यदि बात करें तो स्कोर जहाँ पहुंचा है 53 के पायदान पे, नए गेंदबाज इस बार गेंदबाजी मार्क पे मनोज आते हुए छठा ओवर लेके आएंगे, निजी पहला और टीम का छठा ओवर लेके आएंगे मनोज। राइट अप ओवर द विकेट हंपायर के बाई छोर से, काफी अच्छा रनअप है दोस्तों, काफी अच्छी लय उनकी और क्या पिचिंग थी गेंद की, काफी सुंदर गेंदबाजी, गेंद की पिचिंग देखिए दोस्तों, गेंद की लेंथ देखिए, गति उतनी नहीं है लेकिन यहाँ पे नियंत्रण देखिए गेंदों के ऊपर, इस सटीक लाइन और लेंथ के साथ नियंत्रण के साथ यदि आप गेंदबाजी करोगे तो निश्चित तौर से बल्लेबाजों को आप जकड़ के रखेंगे। पहले मैच की हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे दोस्तों, पहला मैच खेला गया था वाशी बनाम मीरा भाईंदर की टीम के बीच में, मीरा भाईंदर टीम ने टॉस जीता था और पहले फील्डिंग करने का उन्होंने निर्णय लिया, लेकिन इस बार देखिए क्या बेहतरीन कलाई के साथ मोड़ दिया, ताकत से ज्यादा युक्ति श्रेष्ठ, गेंद को खेलिया सीधा वाइड शिष्टा कवर रीजन में 4 रनों के लिए। तो चौका आता हुआ इसी के साथ आप देख सकते हैं स्कोर कार्ड में इजाफा काफी तेजी के साथ हुआ बल्लेबाज जगदीश क्या बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए, अभी तक उन्होंने 16 रनों की काफी अच्छी नायाब पेशकश पारी खेली और इसी के साथ खराब गेंद और इस गेंद के ऊपर आया चौका, चौका आया खुशियां लाया मनोरंजन लाया और यहाँ पे देखिए दोस्तों स्कोर कार्ड के ऊपर तेजी के साथ गति भी लाया, नो बॉल का इशारा और बीमर गेंद, पहला बीमर 62 और गेंद वापस मैदान के ऊपर आती हुई, चौका आया फ्री हिट का लाइसेंस रहेगा बल्लेबाज के लिए, यहाँ पे बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास ठीक से उचित संपर्क नहीं होता हुआ पैड लाइन पे ऊपर गेंद जरूर जा टक रही है, 22 के माध्यम से एक रन जरूर मिला बल्लेबाज के जर्सी की यदि बात करें तो 66 नंबर की जर्सी परिधान किए जगदीश ने, जगदीश नाम का सिमिलर वर्ड भगवान शंकर जी का
और एक नाम जगदीश माना जाता है। हेलो। और आज के दिन की यदि बात करते सुबह के सत्र में भगवान शिव जिस प्रकार से तांडव करते उसी प्रकार से बल्लेबाजी का तांडव होता हुआ जगदीश के माध्यम से। जीतू भाई क्या कह रहे थे आप? जीतू भाई वो टॉस कर देते ना वासी टीम और गोरेगांव वासी टीम और गोरेगांव टीम के कैप्टन जरा स्टेज पर आकर भैया टॉस करना आपका तुरंत मैच चालू करना इसके बाद आपका मैच है। गोरेगांव के कैप्टन जहां का भी हो स्टेज पे आए। दिनेश कैमियो कैमियो किधर है? जल्दी आओ यार स्टेज पे। 65 लास्ट गेंद इस ओवर की राइट अंगूर द विकेट और इसी बार अपने फॉलो थ्रू में इस गेंद को लपकने का प्रयास कॉटन बोल्ट हो सकता था दोस्तों लेकिन प्रयास काफी अच्छा था लेकिन बल्लेबाजों के मनसूबे आज बड़े हैं दोस्तों। मनसूबे बड़े होने भी चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी प्रतियोगिता हम खेल रहे हैं दोस्तों। इस बड़ी प्रतियोगिता में यदि जीत का परचम लहराना है गोरेगांव के कैप्टन आए हैं तो वाशी के कैप्टन ये इनिंग होने के बाद टॉस लिया जाएगा। गोरेगांव के कप्तान आ चुके हैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे हम इस प्रतियोगिता में। गोरेगांव टीम काफी लंबा सफर तय करके आई है दोस्तों। एक अच्छी बात है जीतू भाई की लोकल्स चालू हुई है जिसके चलते सभी खिलाड़ियों को मैदान में आने के लिए कोई दिक्कतें नहीं हो रही है लेकिन इसके पहले अगर देखा जाए जब लोकल बंद थी तो पूरी तरह से बम्बई रुक गई थी। एक्चुअल में मैं मेरी बात अगर बोलना चाहूँगा तो ये क्रिकेट से थोड़ा घर पे भी लपड़ा हो रहा है। रोज सुबह उठ के इधर आने का और शाम को घर पे जाने का धंधा पानी से बिगड़ रहा है तो घर पे भी आज मेरा भी झगड़ा हो गया सुबह सुबह। एक शॉट यस जीतू भाई बोलिए। आज नाश्ता नहीं मिला घर पे झगड़ा हुआ आज। मतलब सुबह सुबह आप घर पे एक इनिंग खेल के आए हो? घर पे इनिंग तो खेला लेकिन आपने को बॉल डालना पड़ा बैटिंग दूसरा कर रहा था। मतलब छक्के चौके आपके ऊपर पड़े आज धुलाई हुई आज। इधर से हिरजी का फोन आ रहा था कि जल्दी आओ। निश्चित तौर से थोड़ी सी चर्चा सत्र हमारे मैदान के ऊपर होती हुई हमारे जीतू भाई हमारे ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व है आदर्श है हमारे सभी युवकों का जिस प्रकार से उन्हें उल्लेख किया कि वॉलीबॉल काफ़ी बड़ी मात्रा में हमारे सिरवी समाज में खेलाया जाता है क्योंकि उनके दौर के जो जनरेशन था उस जनरेशन में वॉलीबॉल काफ़ी अच्छा खेला जाता था काफ़ी बड़ी मात्रा में खेला जाता था जिसके चलते सिरवी समाज में काफ़ी सारे लीग्स वॉलीबॉल के माध्यम से होते थे। लेकिन अभी की जनरेशन में क्रिकेट का क्रेज एक अलग पर्व पे है एक अलग लेवल पे है और जिसके चलते युवकों को संगठित करने के लिए पूरे समाज को एक साथ बांधने के लिए ये काम किया गया और बखूबी काफ़ी अच्छा काम होता हुआ और आने वाले भविष्य में इससे कुछ तो नया इससे कुछ तो ज़्यादा अच्छा करने का प्रवास यहाँ पे हमारे मेरावत साहब हीरालाल जी मेरावत साहब अपनी टीम के साथ ज़रूर निभाएंगे। दो रन ज़रूर पूरे किए एक रन जरूर पूरा किया 73 स्कोर कार्ड के ऊपर रन बनते हुए। देखिए जीतू भाई सुबह के सत्र में रन नहीं हो रहे थे जिसका परिणाम हमने देखा कि वाशी की टीम ने भुगता लेकिन दूसरे मैच की यदि बात करें तो मलाड टीम की मैं तारीफ करना चाहूंगा काफी खूबसूरत बल्लेबाजी उन्होंने की है किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लिया सिंगल डबल्स के साथ अच्छी गेंदों का सम्मान और खराब गेंदों के ऊपर प्रहार किया और जिसके चलते इस टीम ने अच्छा स्कोर किया। तो क्या कहना चाहोगे हमारे मलाड टीम के बारे में? एक्चुअल में सुबह जब ग्राउंड में मैंने एंट्री मारा तो मलाड वालों से मिला मैं 2 मिनट के लिए तो आज इनका जो बैटिंग चल रहा है तो उसका राज ये है कि हमारे मारवाड़ी में गाट और साह बोलते हैं वो आज गाट और साह बहुत दबा के खा के आए हैं इसके लिए बहुत शॉट तगड़े जा रहे हैं इनके आज और हमारे सामने भी इनका मैच है देखते क्या होता है। मतलब आपका जो महत्वपूर्ण मुकाबला है जीतो या हारो डू आर डाई का मुकाबला इनके साथ ही होने वाला है। हाँ और शायद आप इनकी रणनीति समझने के लिए आज जल्दी आया ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं रणनीति तो एक्चुअल में क्या है अब इतने प्रोफेशनल प्लेयर नहीं है कि रोज हम लोग 12 महीना ये क्रिकेट नहीं खेलते हैं तो इतना कोई ये नहीं कि वो हर बॉल देख के ही मारेगा। हमारे मारवाड़ी में उजड़ बोलते हैं उसको उजड़ खिलाड़ी ज़्यादा है
तो जिसकी आपने बात करी जीतू भाई कि हमारे टीम में उतने अच्छे बल्लेबाज, हमारे टीम में उतने अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन जो टीमें अच्छे यानी कि पनवेल टीम हो, वाशी टीम हो, मीरा भाईंदर की टीम हो, ठाणे की टीम हो, वापिस मुलुंड की टीम हो, ये जो लड़के लोग हैं वो रेगुलर क्रिकेट खेलने वाले, जिसके चलते उन्होंने अपनी अलग अलग अच्छी अच्छी टीम्स बनाई है। लेकिन अगले साल चुनौती होगी क्योंकि लीलाव होगा, क्योंकि वहां पे बोली लगेगी और तभी बोली उन्हीं खिलाड़ियों पे लगेगी और जिसके पास खेल होगा और सभी के टीम मालिकों के पास बोली लगाने के लिए बहुत कुछ है। तो इसी के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, थोड़ा सा रुकिए, तो चर्चा चलती रहेगी, स्कोर हम जरूर आप तक अपडेट करेंगे, थोड़ा सा विश्राम जरूर लीजिए। तो जीतू भाई अगले साल थोड़ी सी चुनौती बढ़ी रहेगी, जो खेलेगा वही अपने टीम में जगह बनाएगा। नहीं, निश्चित तौर पे ये साल पे जो प्लेयर अच्छा खेलेगा उसको ऑक्शन में मौका दिया जाएगा और जो मालिक है वो भी उनके ऊपर बोली लगाएंगे। और अभी 79 कैप्टन प्लीज आ जाइए, गोरेगा टॉस होने जा रहा है। तो निश्चित तौर से चलो जुड़ेंगे हमारे आकाश भाई के साथ और डू ऑल डाई का मुकाबला रहेगा जगदीश जी के लिए और साथ ही साथ गोरेगा टीम डू और डाई, उन दोनों भी टीम ने एक एक मैच जीता, यानी कि दोनों भी टीम किसी ने नहीं जीता, दोनों हारा है, मेरा जीता है उसने नहीं। ओके ओके, मतलब गोरेगांव का सफर अभी तक के लिए एक मैच हारा है उन्होंने, तो पहली जीत के लिए लड़ेगी गोरेगांव की टीम और अपना स्थान कायम रखने के लिए प्रयास करेगी वाशी की टीम। तो टॉस लिया जा रहा है, बिल्कुल यहाँ पे टॉस किया जाएगा जीतू भाई के हाथ से, एक तरफ हो गए गोरेगांव, दूसरी तरफ हो गए वाशी। गोरेगांव ने अपना दोनों मुकाबला हार चुके हैं और वाशी एक मुकाबला जीती है और एक मुकाबला हार चुकी है, तो कहीं ना कहीं डू और डाई इस वक्त वाशी टीम के लिए होगा, क्योंकि गोरेगांव अगर ये मुकाबला जीतती है तो हम तो डूबेंगे सर, हम संग तुम्हें भी ले डूबेंगे, इस प्रकार यहाँ पर होगा। आपका एक ही मैच हुआ है और आप हारे हैं, तो बिल्कुल दोनों के लिए डू एंड डाई है और दोनों मुकाबले जीतने होंगे, यहाँ से वाशी टीम को भी ये मुकाबला जीतना होगा। तो टॉस किया जा रहा है हमारे जीतू भाई के हाथ से पुनः एक बार, कॉल इज टेल। यहाँ पे वाशी टीम ने टॉस जीता है, आपका क्या फैसला क्या होगा? बैटिंग फर्स्ट, पहले बैटिंग करेंगे, यानी कि पुनः एक बार वही डिसीजन बैटिंग करने का, तो अब क्या रणनीति होगी आपकी, क्योंकि आप एक मैच जीत चुके हो, एक मैच हार चुके हैं, ये मुकाबला अगर आप जीतते हो तो मुकाबले में बने रहेंगे, अन्यथा आपको इस टूर्नामेंट से जिसके लिए आप एक साल इंतजार करते हो उससे बाहर होना पड़ेगा, तो क्या रणनीति होगी इस बार? हम अपना पूरा 100% देंगे और ये पहले मैच में उसको दूर करेंगे, बैटिंग बॉलिंग। बिल्कुल अपनी गलतियों से सीख लेंगे, बिल्कुल। तो गोरेगांव टीम आपका एक ही मुकाबला हुआ है, बेस्ट ऑफ लक, आपका एक ही मुकाबला हुआ है, दूसरा मुकाबला है, आपको दोनों मुकाबले जीतने हैं इस श्रृंखला में बने रहने के लिए, तो आपकी क्या रणनीति होगी? आपने पहला मुकाबला देखा वाशी का, कहीं थोड़ी सी चूक हुई मिसफील्ड की वजह से वो मुकाबला हारे, लेकिन बल्लेबाजी में उनके अभी भी धार है, तो आपके कौन से ही गेंदबाज होंगे या कौन से बल्लेबाज होंगे जिस पर आप प्रभावशील प्रभाव छोड़ने का काम वो करेंगे? है, गेंदबाज भी है, बैट्समैन भी है, बस लूज बॉल नहीं देना है, फील्डिंग टाइट रखना है और जितना कम से कम टारगेट रहेगा वही हमारा टारगेट रखना है। तो कितने कम से कम टारगेट पे आप रोकना चाहेंगे, क्योंकि पहले बैटिंग का फैसला किया है, तो प्रेशर रिलीज करने का काम तो बखूबी निभाएंगे वाशी टीम। 75-70 तक रहेगा तो चांस, 75-76 अगर आप उन्हें रोकते हो तो वो चेस करने तक का आपके बल्लेबाजों में दम कम है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक आपको अगले मुकाबले के लिए, उम्मीद करता हूं कि आपके उम्मीद के तौर पर आपके खिलाड़ी आपका साथ दे। तो चलिए जीतू भाई जी, बिल्कुल एक बार फिर एक्टर हमारे साथ जुड़े हैं, अपना समय दिया है, हार गए हैं, इनकी टीम हमारे इस श्रृंखला से बाहर है, बहुत मनोरंजन करते हैं, आज हमारे साथ फिर जुड़ेंगे, तो एक्टर साहब आपको माइक सौंपता हूं, थोड़ा सा मनोरंजन कीजिए और मैं चलूंगा वापस प्रशांत सर के पास और दिनेश जी के पास मैच के जरिए। जी बिल्कुल, यहाँ का टूर्नामेंट काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लोग इस टूर्नामेंट को यूट्यूब के द्वारा देख रहे हैं और अभी समय हुआ है सुबह का 10:53 डोंबिवली 12th मैन। हाँ, तो इस मैच को जीतने के लिए 7 ओवर में 79 रन की आवश्यकता है और बहुत बढ़िया मैच का नज़ारा और वैसे टीम 12th मैन प्लीज़।
दिनेश भाई, डोंबिवली टीम का 12th मैन अभी तक नहीं आया है, जल्दी स्टार बल्लेबाज। बहुत बढ़िया, और पहली गेंद बहुत बढ़िया, और इस सिक्सर में एक रन पूरा किया स्टार बल्लेबाज, एक रन के साथ शुरुआत की। जीतने के लिए 7 ओवर में आपको बनाना है 79 रन, और 79 रनों का लक्ष्य भेदने के लिए आप देख सकते हैं हितेश और अशोक की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर आते हुए, बाएं हाथ की और दाएं हाथ की जोड़ी जिस प्रकार से इंडिया के लिए काफी मर्तबा रोहित शर्मा और शिखर धवन शुरुआत करते थे, उसी प्रकार की शुरुआत डोंबिवली टीम के लिए यहाँ पे करते हुए। डोंबिवली टीम के लिए क्रिकेट काफी महत्वपूर्ण रहा, इस बार बैकफुट के ऊपर जाके खेल दिया इस गेंद को, वाइड सिक्स का रीजन को चीरती हुई गेंद 4 रनों के लिए, दंदना दवा चौका। बहुत बढ़िया, अच्छी कोशिश, अरे अच्छी शुरुआत। तो निश्चित तौर से एक शुरुआत चाहिए दोस्तों, 79 रनों का लक्ष्य यदि आपको पूरा करना है तो एक अच्छी शुरुआत होनी चाहिए दिनेश भाई, और ये शुरुआत हो चुकी है। तो आप क्या कहना चाहोगे डोंबिवली टीम के बारे में, क्योंकि राइटी लेफ्टी बैट्समैन का कॉम्बिनेशन इस बार काफी अच्छा, और यहाँ पर गजब मोहम्मद कैफ की तरह फील्डिंग किया यहाँ पर मोहम्मद कैफ, और यहाँ पर आउट हो सकते हैं, बहुत बढ़िया फील्डिंग और एम्पायर का इशारा आउट। देखिए जिस प्रकार जो फील्डिंग की थी उस लुक को देखिए, पहले बताया कि मोहम्मद कैफ की तरह फील्डिंग की है, और उस समय बॉल को बहुत बढ़िया तरीके से थ्रो किया, और एक बहुत बड़ा झटका यहाँ पर ओपनर बैट्समैन पवेलियन लौटते हुए, कमाल की फील्डिंग। मोहम्मद कैप और युवराज सिंह फील्डिंग में सबसे टॉप के खिलाड़ी थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैप उनमें से ये है। निश्चित तौर से काफी अच्छी फील्डिंग यहाँ पे होती हुई, यहाँ पे हमारे मलाड की टीम के मोहम्मद कैफ हम इनको कह सकते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने डाई लगाया अपनी टीम के लिए, रन तो जरूर बटोरे उसके साथ एक बड़ा विकेट चटकाया। आउट होने वाले बल्लेबाज आप हितेश देख सकते, कैप्टन कूल के नाम से जिनको पहचाना जाता है डोंबिवली के कैप्टन कूल, लेकिन कैप्टन कूल आज कुछ कर नहीं पाए और कूल रहे और जा पहुंचे सीधा डगआउट में शांत बैठे। इसके साथ और एक रन बटोरने का प्रयास काफी तेजी के साथ रन को बटोरा गया, एक रन जरूर मिली, एक रन के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 7 के पायदान पे। हमारे स्कोरिंग डिपार्टमेंट में आप देख सकते हैं दिनेश भाई कैलाश चौधरी आ चुके हैं, तेज तर्रार गेंदबाज, कल काफी महंगे साबित हुए थे, किस प्रकार से उनके ऊपर धजिया उड़ाई गई थी, आज मात्र हम देख सकते हैं कि स्कोरिंग के लिए आ चुके हैं। तो क्या कहना चाहोगे कैलाश के बारे में आप दिनेश भाई? जी कैलाश भाई के बारे में देखिए, कभी समय होता है कभी किसका कभी मतलब दिन नहीं होता, नहीं चलते, और अधिकतर वो चलते ही, उनका मैं बैटिंग देखी काफी बढ़िया बैटिंग है, और इनका जो कोच है रमेश भाई जो प्रोटीन जो बेचते, तो उनका कहना है कि हमारा टीम का सबसे बेस्ट और बहुत ही फास्टर बॉलर है, तो इनसे भी काफ़ी बैट्समैनों को ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये काफ़ी नुकसानदायक है, ये बॉलर बहुत अच्छे बॉलर है। जी उठा के खेल दिया है, और यहाँ पर नीचे फील्डर, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ और सिर्फ दो रन, और इस जगह अगर इस कैच के नीचे अगर दिनेश एक्टर होते तो यह कैच पक्का था, लेकिन क्या करें उनका टीम भी बाहर गया, तो बहुत बड़े शॉट था लेकिन नसीब भाग्यशाली रहे, और फिर से घुमा दिया है, देखते क्या, और यहां पर फिर से दूसरी बार सफलता हासिल की, बहुत बढ़िया कैच, गजब, ऐसा लगता है कि दिनेश एक्टर की आत्मा इनके शरीर के अंदर प्रवेश हो चुकी है। उसके बाद में आत्मविश्वास नहीं खोया इन्होंने, कभी कभी किसी फील्डर से अगर कैच मिस होने के बाद अगर उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है तो फिर ठीक नहीं रहता, इन्होंने आत्मविश्वास अपना बरकरार रखा और कैच, गजब। इस फील्डिंग में लगभग लाल टोपी पहन के कुछ राज हो सकता है, लाल टोपी पहन के कुछ राज भी हो सकता है, लाल टोपी मतलब आउट भी हो सकता है। न्यू बैट्समैन नेम गजब, बैट्समैन नेम प्रवीण अरविंद
अरविंद बैट्समैन आते हुए दो रन जीरो रन आते हुए इस गेंद के ऊपर, और पूरे ओवर की यदि बात करें तो दो रन है इस बार शॉट फुल करने का प्रयास। गेंद हवा में जरूर है, मौका बन सकता है, लेकिन इस बार देखिए थोड़ा सा आलसपना। दिनेश भाई कहा जाता है कि आलस हा मानसा सा शत्रु है, आलस इंसान का दुश्मन होता है। बिल्कुल, और यहाँ पे थोड़ा सा आलस दिखा। सुबह के सत्र में जरूर मुकाबला खेला जा रहा है, पूरी तरह से खींचाव आया नहीं है बॉडी में, स्ट्रेचिंग शायद करके नहीं आया, जिसके तरह आप देख सकते थोड़ा सा डिसा। ऐसा हम स्कूल में हमारे टीचर ने सिखाया था, आलस्य कुतो विद्या, विद्यस्य कुतो धनम। तो ये मतलब जो आलस करता है उनके लिए आगे सब दरवाजा बंद हो जाता है। यस यस, निश्चित तौर से अगर जीत का दरवाजा खोलना है तो ताकत लगानी होगी, ऊर्जा दिखानी होगी, मेहनत करनी होगी। और इसके साथ चार गेंदों का खेल समाप्त होता है। इस ओवर की यदि बात करें तो अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर स्कोर बटोर है 11 रन, पहले ओवर के समाप्ति के बाद 7 रन थे, और इस ओवर में अब तक मैच खर्च के 4 रन, और टोटल स्कोर की यदि बात करें तो 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, हवाई सफर, खिलाड़ी वहां पे मौजूद नहीं है, और नो मैन रीजन में गेंद गिरती हुई और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए दंदन आता हुआ ये खूबसूरत चौका। आपलं कॉन्टॅक्ट जबर ना, तुला नाही खबर कधी काही ढगात जाशील, लढाईच्या वार्ता करून हो तू तोच चिपकून राशील। और ये व्हाइट बॉल बैट्समैन के लकी नंबर 3333333, और वो क्रीज पे टिके हुए हैं, क्रिस गेल की तरह उनका अंदाज है। और यहाँ पर गजब की बॉलिंग, बहुत बढ़िया बॉलिंग, डॉट निकाली बॉल को, डॉट गेंद जाती हुई। तीन ओवर का खेल समाप्त, दो ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, दो ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड रुका हुआ आप देख सकते हैं। आपलं कॉन्टॅक्ट जबर, तुला नाही खबर कधी काही ढगात भंगार नहीं, यानी कि तू इज्जत से रहे, ज्यादा उड़ मत, मैं आरा तोरा नहीं हूं, और यही दिखाया इस बार गेंदबाज ने, बल्लेबाजों को पूरी तरह से जकड़ के रखा है। दो ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 16 रन। और इसी बात को अगर आपने मुझे समझाया, और इसी बात को मारवाड़ी में अगर ट्रांसफर करेंगे तो बोलेंगे बोला काफी अच्छा था लेकिन मुझे कुछ नहीं समझा, मतलब चने के साथ जो जाड़ पे मैं चढ़ाओ ऐसा। निश्चित तौर से थोड़ी सी गुप्तगु होती हुई, थोड़ा सा वार्तालाप होता हुआ, थोड़ा सा मैदान के ऊपर जो खिलाड़ी वर्ग आए, थोड़े से दर्शक वर्ग आए, उनको थोड़ा सा मनोरंजन देने का काम करते हुए, क्योंकि क्रिकेट के ऊपर यदि बात करते रहेंगे तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो थोड़ा सा भटकते हुआ होता है, थोड़े से प्रेशर में होते हैं खिलाड़ी वर्ग, तो उनको थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने का काम यहाँ पे हमारे दिनेश भाई करते हुए, और साथ ही साथ जो हमारे दर्शक वर्ग काफी देर से इस मैच को देख रहे यूट्यूब के माध्यम से हो या फिर हमारे मंच के ऊपर जो मेहमान वर्ग आए, वो सिर्फ क्रिकेट देख के थोड़ा सा उनका मनोरंजन करने का काम हमारे कमेंट्री बॉक्स से होता है, लेकिन निश्चित तौर से फिर एक मरतबा मैदान की तरफ जाएंगे। और स्कोर कार्ड की यदि बात करें तो इस ओवर में अब तक आए 2 रन, और टोटल स्कोर की यदि बात करें तो 18 रन, काफी अच्छी लय में दिख रहे दोनों भी बल्लेबाज, लेकिन तारीफ करनी होगी इस बार बल्लेबाज की। इसी के साथ वाइडिश टूर्नामेंट रीजन को चीरती हुई गेंद तेजी के साथ बटोरा चौका, इलाका तेरा धमाका मेरा। यहां पर ये जगह थी मोहम्मद कैफ की, लेकिन मोहम्मद कैफ को यहां से साइड से दूसरी जगह पे भेजा गया जिसका नुकसान हुआ। इस जगह मोहम्मद क्या होते थे शायद बॉल को रोक पाते थे। निश्चित तौर से यहाँ पे काफी अच्छी फील्डिंग करनी होगी यदि रनों की गति को रोकना होगा, तो दोनों भी बल्लेबाज इस बार पूरी तरह से डट रहे, क्योंकि आघाड़ी के बल्लेबाज और शुरुआती क्रम के बल्लेबाज जितेश और अशोक ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, ऐसा लग रहा था कि अशोक बड़े बड़े स्ट्रोक खेलेंगे लेकिन उनके सपने पूरी तरह से बिखेर गए मैदान के ऊपर। गेंदबाज अब अगर बात करें तो दिनेश ने काफी अच्छी शुरुआत करके दी थी अपनी टीम के लिए, महज 9 रन खर्च किए, उसके पहले का ओवर देखा जाए तो नरेश ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की थी, पूरी तरह से बल्लेबाजों को जकड़ के रखा। इस ओवर की यदि बात करें तो बल्लेबाजों ने पूरी तरह से प्रेशर रिलीज करने का काम किया है, एक चौका जरूर खेला
चौकी के साथ अगर देखा जाए तो आत्मविश्वास जरूर बढ़ा है, लेकिन ये आत्मविश्वास कब तक बढ़ते रहेगा, कब तक उनको बड़े स्कोर के पीछे जो परिश्रम करना पड़ रहा है वो परिश्रम रुकेगा। इसी के साथ स्ट्रेट ड्राइव बैक टू द बॉलर ड्राइव खेल दिया है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन के बीच में, दो गेंदबाज दो बल्लेबाज माफ कीजिए काफी तेजी के साथ इस रन को बटोरा और एक रन स्कोर कार्ड के ऊपर आता हुआ। सिंगल डबल के साथ बड़े स्ट्रोक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना होगा, यही रणनीति स्पष्ट अधिकार है डोंबोली के बल्लेबाज। 79 रनों का लक्ष्य यहाँ पे पूरा करना है और 79 रनों का लक्ष्य पूरा करने के लिए एक पार्टनरशिप बिल्ड करना काफी जरूरी है, ये पहचान है डोंबोली क्रिकेट टीम ने। डोंबोली के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा क्रिकेट रायगढ़ थाना और कल्याण डोंबोली में खेला जाता है और अनुभव होगा डोंबोली टीम के पास, जिसके साथ अगर बात करें स्कोर हुआ है 25, 16 रन आखिरी ओवर में थे। इस ओवर की यदि बात करें तो इस ओवर में 9 रन आए और 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए इस ओवर में 9 रन आए और जिसके चलते 25 रन ओवर खत्म हुआ है। तीन ओवर के समाप्ति के बाद 25 रन राइट मोर द विकेट, पहली गेंद यहाँ पे दिनेश जी की काफी तेजी के साथ गेंद अंदर आती हुई, यहाँ पे सुरक्षात्मक रवैया सुरक्षात्मक ढंग के साथ सिर्फ और सिर्फ गेंद को डिफेंस किया, जाना पहचाना लाइन और लेंथ को और बल्लेबाज ने सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव क्रिकेट खेला है। दोस्तों अगर आपको ये बड़ा लक्ष्य चेस करना है तो आपको बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, सिंगल्स डबल्स के साथ आपको बड़े स्ट्रोक्स के ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करना होगा और यदि इस रणनीति को इस्तेमाल किया जाएगा तो जरूर इस बड़े रन के अंबर को छुआ जा सकता है। लेकिन काबिले तारीफ करना चाहूंगा इस मलाड टीम की, पूरी तरह से बल्लेबाजों को जकड़ के रखा है, किसी भी तरह बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास करने को नहीं दे रहे। और उठा के खेल दिया है यहाँ पर और दो रन बड़ी आसानी से पूरा करेंगे। अगर आपको मैच को जीतना है तो हाथ खोलना होगा, बल्ला खोलना होगा, जिस प्रकार से लॉकडाउन खुला है उसी प्रकार से अपनी बैटिंग को खोलना होगा। जरूर जरूर, लॉकडाउन पूरी तरह से अभी तक खुला नहीं है, काफी सारे नियम निर्बंध हमारे ऊपर है। हमारे सम्माननीय प्रधान जी मंत्री नरेंद्र जी मोदी साहब ने जिस प्रकार से कहा है कि मास्क परिधान कीजिए, सैनिटाइजर यूज के जितना ज्यादा से ज्यादा खुद डिस्टेंस बना के रखेंगे एक दूसरे के साथ तो उतना अच्छा रहेगा, साथ ही साथ जो नियम बताए गए उन नियमों का कड़े कोट पालन हमें करना है, पूरी तरह से पालन हमें करना है, यही हम बताना चाहेंगे इस प्रतियोगिता के माध्यम से। जब यह प्रतियोगिता करने का सपना देखते हैं तो काफी सारे नियम हमारे सामने थे, काफी सारे रूल्स और रेगुलेशन से जो सरकार के माध्यम से दिए गए थे, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी खिलाड़ियों से, सभी टीम से, सभी दर्शकों से कि जो नियम सरकार ने बताए हैं उनका कृपया करके पालन पोषण कीजिए। जी और बिल्कुल, जैसे ही लॉकडाउन की बात की और जैसे ही बात करने के बाद शॉट को लगाना शुरू हो चुके पिछले साइड में जो जिस पर जो जहाँ से रेल आती है उस साइड में चार रन लिया, बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बढ़िया बैटिंग और फिर से घुमाया है यहाँ पर, खिलाड़ी नीचे मौजूद और देखते क्या होता है, यहाँ पर कैच छोड़ दिया और चौका भी जा सकता गया लेकिन नहीं, अंपायर का इशारा क्या देखते हैं और एक अच्छी फील्डिंग बोल सकते हैं, देखते क्या है ये डिसीजन, चौका चौका अंपायर का इशारा, चार रन इस तरह से मिस फील्डिंग बहुत बड़े बहुत ही भारी पड़ सकते हैं ये शॉट, एक कैच आउट होता था, रन भी नहीं होता था, विकेट भी मिलता था लेकिन कैच छूटा, चार रन गया, आत्मविश्वास बल्लेबाजों में और भी ज़्यादा होता हुआ तो ये कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है अपनी टीम के लिए। जरूर जरूर जरूर, छोटी छोटी गलतियां काफ़ी महंगी साबित होती है, पहले मैच में हमने देखा दोस्तों वाशी टीम ने बहुत सारी गलतियां की, तीन कैचेस छोड़े और उसके बाद अगर देखा जाए दो बाउंड्री छोड़ी जिसके चलते उनको पूरे मैच को खोना पड़ा, लेकिन अभी भी उनके पास एक मौका है, रणनीति बनाई जा रही है, अब भी टॉस हमने देखा कंप्लीट हुआ गया, गोरेगांव बनम वाशी आने वाला मुकाबला रहेगा दोस्तों, यानी कि हीरालाल जी मेरा वसाफ इनके लिए एक आखिरी चांस होगा, एक आखिरी मौका मिलेगा अपनी टीम का यहाँ पे सफर सही साबित करने के लिए। तो इसी के साथ थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद जाती हुई चार रनों के लिए, बहुत बढ़िया, लॉकडाउन खुल चुका है और नंबर लिखा है एक, टी शर्ट का नंबर लिखा है एक नंबर, तो एक नंबर जैसी बैटिंग करनी होगी, ओवर की समाप्ति शायद हुई है, बॉलर के टी शर्ट के नीचे भी एक नंबर लिखा है। हाँ स्कोर की यदि बात करें तो चार ओवर का खेल समाप्त होता हुआ
चार ओवर की समाप्ति के बाद हमने देखा 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर थे और पहले गेंद के ऊपर आया चौका और इसी के साथ 41 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस बार बैट का बाहरी किनारा चूमती हुई गेंद, लॉन्ग स्टॉप सीमा रेखा के बाहर, चार रनों के लिए नसीब का चौका। डीजे थोड़स माइक कड़े लक्ष असू द्यात कारण की डीजे भी शुरू होगा क्योंकि ऐसे मौके पे डीजे होना जरूरी। ऐसा पहली बार मैं इस ग्राउंड में देख रहा हूँ कि बॉलर जो कर रहा है, जो बॉलिंग कर रहे हैं उनका टी शर्ट एक नंबर और उनके बाजू में जो खड़े हैं बैट्समैन उनका भी एक नंबर, तो क्या होगा, एक और एक 11 होगा या कुछ और होगा? तो निश्चित तौर से हम बात करेंगे जरूर इस प्रतियोगिता के बारे में क्योंकि सर्विस स्पोर्ट्स क्लब मुंबई के माध्यम से आयोजित की गई है भव्य दिव्य क्रिकेट की श्रृंखला सीजन क्रिकेट लीग 2021 सीजन 3 पर्व तीसरा गर्व। ये हमारे सिर्वी समाज का 2021 का ये साल है, क्या बेमिसाल है, काफी अच्छी प्रतियोगिता और इस प्रतियोगिता में क्या बेमिसाल आयोजन किया गया हमारे सभी आयोजकों के माध्यम से। जरूर थोड़ी सी उनकी भी हम तारीफ करेंगे इस प्रतियोगिता के लिए जिनके माध्यम से प्रमुख रूप में आयोजकता की भूमिका निभाई गई। हमारे सम्मान्य श्री हीरालाल जी मेहरावत साहब, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि 1996 से इस सिर्वी समाज को मुंबई में क्रिकेट के लिए काफ़ी अच्छा उनके माध्यम से योगदान रहा है। दोस्तों इस टीम के बारे में अगर देखा जाए वाशी टीम तो 1996 से क्रिकेट खेल रही है और सिर्फ खेल नहीं रही है दोस्तों, तो अभी तक काफ़ी बड़ी बड़ी प्रतियोगिता में वो सही भी साबित हुए, जीत के बहुत सारे सपने उन्होंने पूरे किए और आज इस सीजन 3 में भी वो सपना लेके आई है। और साथ ही साथ प्रकाश जी गहलोत साहब जिनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है इस प्रतियोगिता को सक्सेसफुल करने के लिए, प्रमोद जी लचेटा साहब, राजेश जी गहलोत साहब, जगदीश जी देवड़ा साहब और भरत जी देवड़ा साहब, हरीश जी सिंधरा साहब, राहुल जी हुंबर साहब, रमेश जी काग जी, बाद में दिनेश जी गहलोत साहब, जीतू भाई सेप्टा साहब, इन सभी आयोजकताओं के हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगे। और साथ ही साथ मैं तारीफ करना चाहूँगा जगदीश जी देवड़ा साहब और भरत जी देवड़ा साहब क्योंकि इनके प्रमुख निर्देशन में, इनके प्रमुख नेतृत्व में इन सभी टीमों को इकट्ठा किया गया और साथ ही साथ प्रमुख भूमिका निभाई है उन्होंने और उनका लिए जिनका काफी अच्छा साथ रहा हीरालाल जी मेरा स्कोर स्कोर हुआ है 47 आने वाली 12 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता 12 गेंदे 32 रनों की आवश्यकता। थोड़ी सी चर्चा चल रही थी दोस्तों हमारे आयोजकताओं के बारे में कि हीरालाल जी मेरावत साहब जो प्रमुख आयोजक है जिनके माध्यम से सर्वप्रथम ये संकल्पना यहाँ पे प्रस्तुत की गई, सिर्फ प्रस्तुत नहीं की गई दोस्तों तो इस संकल्पना को सही साबित करके दिया और इसमें किसने प्रमुख भूमिका निभाई तो हमारे भरत जी देवड़ा साहब और हमारे जगदीश जी देवड़ा साहब दोनों बंधुओं के माध्यम से इस संकल्पना को सही साबित करके दिखाया है। चलो टीम मीटिंग नहीं चाहिए, टीम मीटिंग ना कीजिए और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रतियोगिता में कोई गेंदबाज यदि हैट्रिक लेता है तो उसके लिए 500 रुपये का इनाम इन दोनों भी मान्यवरों के माध्यम से, साथ ही साथ कोई गेंदबाज मेडन ओवर डालता है तो भी आपको प्राइज दिया जाएगा, ऐसी सूचना जगदीश जी और भरत जी के माध्यम से आती हुई। काफ़ी अच्छा व्यक्तिमत्व है दोस्तों, शांत स्वभाव के दोनों भी है लेकिन मैदान में वो उतने ही आक्रामक है। अगर देखा जाए तो दोनों भी एक ही फैमिली से बिलोंग करते चचेरे भाई है, मैदान के बाहर तो काफ़ी अच्छे बंधु प्रेम उनके माध्यम में दिखते हैं लेकिन जब मैदान में जाते तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते, एक दूसरे के खिलाफ आक्रोश करते और ये होना चाहिए, क्रिकेट में कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विरोधी होता है और यही चित्र उनके माध्यम से दिखा तो उनका भी हम आभार व्यक्त करेंगे और ले चलते मैदान की तरफ। आने वाली 12 गेंदे और जीत के लिए 32 रनों की आवश्यकता, 47 रन हुए तो 16 का एवरेज रखना होगा, इस 16 के एवरेज को पूरा किया जाएगा। गेंदबाज रमेश राइट ओवर द विकेट आगे आके खेलने का प्रयास, काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे रमेश के माध्यम से होती थी। बल्लेबाज के कदमों को पहचाना, बल्लेबाज के स्टांस को पहचाना, जिस प्रकार से कदम यहाँ पे डाउन द विकेट जा रहे थे उन कदमों को पहचाना और जिसके चलते ये आती हुई डॉट गेंद बिंदी गेंद की समाप्ति और एक अच्छी गेंद यहाँ पे मौका बन सकता था, बैट का बाहरी किनारा चूम के गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में, विकेट कीपर से कैच जरूर छूटा है लेकिन बड़ा स्ट्रोक आया नहीं, ये एक अच्छी बात है, सिंगल डबल से कुछ फर्क नहीं गिरेगा दोस्तों, बड़े स्ट्रोक्स खेलने अनिवार्य रहेंगे और ये बड़े स्ट्रोक आएंगे कब ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन नफीतुली गेंदबाजी चिंगूस गेंदबाजी कहते अगर देखा जाए तो काफी अच्छी गेंदबाजी होती भी, पूरी तरह से जकड़ के रखा है बल्लेबाजों को और एक अच्छी गेंद वाडी शॉर्कर। क्रिकेट जगत में ये गेंद काफी चर्चा का विषय बन रही है दोस्तों, जिस गेंदबाज के पास ये शस्त्र है वो प्रभावी है और वाइडी शॉर्कर फेंकना आपको आना चाहिए दोस्तों क्योंकि काफी मरतबा हमने देखा है कि बल्लेबाज अक्रॉस द लाइन आते हैं, सफल होकर खेलते हैं, ऑन साइड के ऊपर टारगेट करते हैं और जब आप इस प्रकार की गेंदबाजी करते हो तो आप सही साबित होते हो, प्रभावी साबित होते हो और यही काम रमेश ने करके दिया। रमेश ने क्या बल्लेबाजी की दोस्तों, 37 रनों का 37
17 गेंदों में 37 रन 37 रनों की नायाब पेशकश पारी और साथ ही साथ गेंदबाजी के स्वरूप में हमने अभी तक देखा दोस्तों, पहला ओवर उन्हें 9 रनों का फेंका, उसके फिर एक मर्तबा उनके ऊपर विश्वास दर्शा गया, अभी तक वो सही साबित हुए। 4 गेंदों में महज 2 रन उन्होंने खर्च किए, क्या गेंदबाजी होती हुई, और एक डॉट गेंद, हर एक डॉट गेंद यहाँ पे उत्साह मनाती हुई फील्डिंग करने वाली टीम। देखिए दोस्तों, ये होना चाहिए, यहाँ पे पूरी टीम पूरे जोश के साथ, जज्बे के साथ पूरी टीम यहाँ पे यूनिटी दिखाती हुई, हर्ष और उल्लास के साथ यहाँ पे चेयर अप करती हुई, ये होना चाहिए। इसके साथ आप देख सकते हैं आत्मविश्वास आगे बढ़ता हुआ, और इसी के साथ देखिए दोस्तों आत्मविश्वास प्रबल होता हुआ। डीजे, लेकिन यहाँ पे जाना पड़ेगा बल्लेबाज को, बुलावा नहीं आया था तो भी जाना पड़ेगा क्योंकि गेंदबाजी उतनी अच्छी हो रही है। राइट इन द ब्लॉक और फर्नीचर लॉस विट्टो का पूरी तरह से पतन होता हुआ, बेल्स उड़ती हुई, और क्या सुंदर दृश्य था जब रमेश ने ये गेंद फेंकी थी ब्लॉक हॉल की, काफी सुंदर गेंदबाजी यहाँ पे रमेश के माध्यम से होती हुई। तो इसी के साथ 6 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, स्कोर की यदि बात करें तो 49 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 6 गेंदों में 30 रनों की आवश्यकता। मैच के ऊपर पूरी तरह से पकड़ बना के रखी है दोस्तों मलाड टीम ने। तारीफ करना चाहूंगा मलाड टीम की, और स्पेशल तारीफ करना चाहूंगा रमेश की, क्या वन मैन शो खेल दिखाया इस खिलाड़ी ने। बल्लेबाजी हो, गेंदबाजी हो या फिर फील्डिंग हो, इन तीन ही डिपार्टमेंट में जो काम किया है रमेश ने, काबिले तारीफ। आज उनके लिए लव्स नहीं मिल रहे दोस्तों उनकी तारीफ करने के लिए, ये होता है एक जज्बा, जुनून, संघर्ष करने की उम्मीद, और क्या उम्मीद दिखाई है, जीत की उम्मीद सही साबित होती हुई बीच मैदान के ऊपर। यहाँ पे शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद ऑन साइड के क्षेत्र में जरूर खेला गया, एक रन जरूर पूरा किया, एक से ज्यादा कुछ नहीं, और इसी के साथ पूरी तरह से यहाँ पे पकड़ मजबूत की है टीम मलाड ने। जल्लोश देखिए, आनंद देखिए, जुनून देखिए, यहाँ पे पूरी तरह से उनके दर्शक वर्ग, उनका सपोर्टर्स यहाँ पे खुश होता हुआ। यूट्यूब के माध्यम से काफी सारे दर्शक वर्ग, उनके चहेते वर्ग यहाँ पे जुड़ चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, उनका आभार व्यक्त करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों पूरे भारतवर्ष से इस प्रतियोगिता को काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। यूट्यूब के माध्यम से इस प्रतियोगिता को उन तक पहुंचाने का काम हमारे आयोजकताओं ने किया है, और जिसके चलते ये टूर्नामेंट एक सफल टूर्नामेंट के रूप में सही साबित होती हुई, और आने वाले भविष्य में इस टूर्नामेंट का और किस प्रकार से अच्छा किया जाएगा और इस टूर्नामेंट में क्या स्पेशल किया जाएगा, इसके लिए काफ़ी मात्रा में चर्चा हो रही है हमारे मेहरावत साहब, हमारे देवड़ा साहब, हरीश जी, साथ ही साथ जगदीश जी और भरत जी के माध्यम से। रटमो ओवर द विकेट, धीमे गति से गेंद को फेंका गया ऑन साइड के क्षेत्र में, सिली मिडॉन के क्षेत्र में, जब तक गेंद को लपकेंगे तब तक मेरिज मिली सिंगल, और इसी के साथ इस ओवर की यदि बात करें तो इस ओवर के गेंदे हो चुके हैं 4, 2 गेंदे अभी भी शेष और एक औपचारिकता, सिर्फ और सिर्फ एक औपचारिकता बीच मैदान के ऊपर बची हुई, तो एक चमत्कार ही इस मैच को बचा सकता है, एक मिराकल ही बचा सकता है डोंबोली टीम के लिए। धीमे गति से गेंद को फेंका गया ऑन साइड के क्षेत्र में, एक रन जरूर बटोरा, तो अगला मैच निवेदन रहेगा वाशी टीम और साथ ही साथ गोरेगांव टीम, चलिए रेडी रहना है, और गोरेगांव टीम से निवेदन रहेगा कि जैसे ही आखिरी गेंद फेंकी जाएगी उसके जल्द ही जल्द आपको फील्डिंग की सजावट करके लेनी है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा गोरेगांव टीम, चलिए रेडी रहिए, प्रैक्टिस सेशन रुकाइए गोरेगांव टीम, चलिए प्लीज, और साथ ही साथ वाशी टीम आपके ओपनिंग पे रेडी रखना है आपको, जगदीश एंड कंपनी प्लीज, निवेदन रहेगा आपसे ये। ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद हवा में जरूर है, कैच जरूर छुटा है, लेकिन इसी के साथ इस मैच को नहीं छोड़ा है मल्ला टीम, यहाँ पे वीन होती हुई दूसरा मुकाबला आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पूरा होता हुआ, और दूसरे मुकाबले में आप देख सकते हैं दोस्तों कि मल्ला टीम ने जीत दर्शाई है। पहले मुकाबले में हमने देखा दोस्तों कि मीरा भाईंदर टीम ने जीत दर्शाई थी, काफ़ी बड़ी जीत थी दोस्तों, काफ़ी बड़ी टीम के सामने खेलते हुए, क्यों ये टीम पिछले साल विनर थी ये मीरा भाईंदर टीम ने दिखाया, और पिछले साल सेमीफाइनल में मीरा भाईंदर टीम ने वाशी टीम को हराया था, जिस प्रकार पिछले साल हराया फिर एक मरतबा इस साल की शुरुआत में भी हराया, मतलब जहां से अंत किया था वहां से शुरुआत की, और दूसरे मैच में अगर देखा जाए तो यहां पे डोंबोली टीम परास्त होती भी, यानी कि मलाड टीम का अभी भी सफर जारी रहेगा इस प्रतियोगिता में। तो इसी के साथ दूसरे मैच का भी यहाँ पे खेल खत्म होता हुआ, अगला मैच आपके सामने आएगा दोस्तों वाशी बनाम गोरेगांव। जी बिल्कुल, वाशी से जो विराट कोहली, विराट जो है फिर बहुत